इस क्वेश्चन में हमें दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। एक तो आपका ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -5.7, जो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है दैट गिवन एज ए 3.-11, और हमें ये बताना है कि और हमें इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो आपका लाइन सेगमेंट है दैट इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये लाइन सेगमेंट आपका किसी सर्किल का डायमीटर है। तो अगर हम सर्किल प्लॉट करते हैं, अगर हम यहाँ पे सर्किल प्लॉट करते हैं तो जो सर्किल होगा आपका ये इसका डायमीटर होगा। तो सर्किल का ये हाफ पार्ट मान लेते हैं हम लोग इस तरह से ऊपर होगा और ये हाफ पार्ट नीचे होगा। अच्छा, अगर ये डायमीटर है आपका तो डायमीटर का जो सेंटर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज़ द लेट बी दिस इज़ द सेंटर बी। अगर बी हम मान लेते हैं सेंटर है तो ये आपका बी ए हमारा रेडियस हो गया, ए बी रेडियस है और साथ में बी सी भी हमारा क्या है, रेडियस है। इसका मतलब ये हुआ कि बी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द ए एंड सी, बी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। और बी का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग एक्स कॉमा वाई अज्यूम कर लेते हैं, सपोज एक्स कॉमा वाई है, तो हमें सिंपली ए और सी का मिड पॉइंट निकालना है, दैट इज़ अ सेंटर ऑफ सर्कल। तो एक्स इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, दैट कम्स आउट टू बी -5 प्लस 3 होल अपॉन 2। तो ये -2/2 आ गया आपका, दैट कम्स आउट टू बी -1। इसी तरह से इसका ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो y1 प्लस y2/2, दैट कम्स आउट टू बी 7 प्लस -11/2, ये -4/2, दैट कम्स आउट टू बी -2। देयरफोर सेंटर ऑफ सर्कल इज -1, -2।